आज हम लोग सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज का यूज़ करना सीखेंगे और ये सिंपल सेंटेंस बनाने की पांचवी यूजिंग्स हैं। हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेज। हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाना, वो भी बाय यूजिंग एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए कब करते हैं? जब एक सेंटेंस की वर्ब का संबंध दूसरे सेंटेंस से होता है तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करते हैं। तो किस तरीके से? एडवर्ब वर्ब या एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से बनता है। जैसे हम गौर करेंगे, सेंटेंस दिए हैं सी आंसर्ड मी, हर आंसर वाज करेक्ट, तो सी आंसर्ड मी करेक्टली। और जो जैसे हम करेक्ट में एलवाई बढ़ाएंगे वो एडवर्ब बनेगा। इसी तरीके से ही रन अ रेस, ही रन फास्ट, तो ही रन अ रेस फास्टली। तो हमें करना क्या होता है, जब दो सिंपल सेंटेंस से एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब का यूज करते हैं तो जो भी एडवर्ब वर्ड बनता है उसमें एलवाई लगाते हैं और सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। गौर करेंगे, जैसे ये सेंटेंस दिया है सी आंसर मी, हर आंसर वाज करेक्ट, तो हम देख रहे हैं ये जो आंसर वर्ब है इसका संबंध इस सेंटेंस से है और ये करेक्ट जो है आंसर के लिए है, तो ये बनेगा सी आंसर्ड मी। और दूसरे सेंटेंस से हमें कोई चीज नहीं, केवल वही वर्ड उठा के उसी में एलवाई बढ़ा देना है और इस तरीके से ये सेंटेंस जो है सिंपल कंबाइन हो जाएगा। अगर हम दूसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे, ही रन अ रेस, ही रन फास्ट, तो अब भी हम देख रहे हैं ये जो रन वर्ब है इसका संबंध फास्ट से है और ये भी इसी तरीके से कंबाइन हो जाएगा, ही रन अ रेस फास्टली। तो इस तरीके से हम लोग एडवर्ब का यूज करेंगे। जिस तरीके से एडवर्ब का यूज लास्ट में होता है उसी तरीके से स्टार्ट में हो सकता है। अगर एडवर्ब वर्ड पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता है तो उस वर्ड को हम लोग सेंटेंस के आगे रख लेते हैं। कैसे, वो भी क्लियर करेंगे। तो अब हम इन दो सेंटेंस को गौर करेंगे और इन सेंटेंस में जो एडवर्ब वर्ड है वो सेंटेंस के स्टार्ट में लगेगा। किस तरीके से, क्लियर करते हैं। ही विल बी एन MLA, देयर इज नो डाउट इन इट। तो जैसे यहाँ पे देयर इज नो डाउट इन इट है तो ये पूरे सेंटेंस की विशेषता को बता रहा है। इसी तरीके से ही डिड नॉट ईट द फूड, ही वॉज लकी, तो इसमें भी जो वर्ड लकी है वो भी इस पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम लोग करते क्या हैं, जब एडवर्ब पूरे सेंटेंस की विशेषता को बताता है तो हम लोग एडवर्ब वर्ड को सेंटेंस के स्टार्ट में रखते हैं। किस तरीके से, वो भी क्लियर करते हैं। तो जैसे नो डाउट है तो यहाँ पे आपको अनडाउटेडली लिखना पड़ेगा और फिर इस सेंटेंस को लिख देंगे और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका सिंपल कंबाइन हो जाएगा। अनडाउटेडली ही विल बी एन MLA, ठीक है। दूसरे सेंटेंस पे भी गौर करेंगे, ही डिड नॉट ईट द फूड, ही वॉज लकी, तो इसमें भी ये जो लकी वर्ड है ये पूरे सेंटेंस के लिए है, तो यहां भी जब इसको करेंगे तो ये लकली हो जाएगा और लिखेंगे लकली ही Did not eat the food, और इस तरीके से ये भी सेंटेंस जो है वो सिंपल कंबाइन हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई एडवर्ब का यूज किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग एडवर्ब के दूसरे नियम को क्लियर करेंगे। कभी कभी सेंटेंस में कुछ शब्द एडवर्ब का कार्य करते हैं तो उन शब्दों को हम लोग एडवर्बियल
फ्रेज कहते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में द सनसेट है तो बाय सनसेट का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में कास्ट है तो एट एनी कास्ट का यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में डिले है तो विदाउट डिले का यूज करेंगे, और अगर इना हरी है तो हरी डिले का यूज करेंगे। जिन सेंटेंस में ये वर्ड दिए होते उन सेंटेंस को हमेशा बाद में रखते हैं और इन शब्दों का यूज करते हैं। अब एग्जाम्पल की मदद से हम इस नियम को क्लियर करेंगे, तो कंबाइन करेंगे ही कुड नॉट कंप्लीट हिज वर्क बाय सनसेट, और सनसेट को एक में मिला के रखना, और इस तरीके से आपका एडवर्बियल फ्रेज से सिंपल सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। तो अब दूसरे सेंटेंस में भी गौर करेंगे, दूसरे सेंटेंस में भी कास्ट दिया है तो कास्ट वाले सेंटेंस को भी बाद में रखना है और एट एनी कास्ट का यूज करेंगे। तो किस तरीके से ये हो जाएगा, बाय दिस बुक एट एनी कास्ट, और ये भी हमारे जो सेंटेंस है वो सिंपल कंबाइन हो जाएगा। अब हम तीसरे सेंटेंस पे गौर करेंगे, तो तीसरे सेंटेंस में भी हम देख रहे हैं कि डिले दिया है तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से कंबाइन होगा, और लिखेंगे डू दिस वर्क विदाउट डिले, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिले होने पे विदाउट डिले का यूज करेंगे, और ये भी हमारा सेंटेंस सिंपल कंबाइन होता है। और फिर आखिरी जैसे इन हरी है तो इसमें भी हम लोग जब करेंगे तो ही रीच्ड द स्कूल हरिडली, और इस तरीके से ये भी सेंटेंस सिंपल में कंबाइन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, अगर आपको सेंटेंस में द सनसेट दिया है तो आप बाय सनसेट का यूज करेंगे, अगर कास्ट है तो एट एनी कास्ट का यूज करेंगे, अगर डिले है तो विदाउट डिले का यूज करेंगे, और अगर इन हरी है तो हरिटली का यूज करेंगे। तो इस तरीके से एडवर्ब की मदद से भी हम सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करेंगे। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।